तो फाइनली गाइज मेरा दोस्त का आईफोन 14 जो है वो आ चुका है। एक्चुअली ये जो मॉडल है ये आईफोन 14 प्लस है। तो हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था इसमें किया था फ्लिपकार्ट के साथ ओपन बॉक्स डिलीवरी। तो ओपन बॉक्स डिलीवरी में क्या होता है, बॉक्स जो है वो डिलीवरी बॉय खोल लेता है, जिसकी वजह से प्रॉपर अनबॉक्स का जो वीडियो है वो हम लोग बना नहीं पाए। और डब्बा खोलना तो आपको यूट्यूब में, सारे यूट्यूब में मिल ही जाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका कलर जो है वो वाइट कलर में है, तो व्हाइट कलर जो है बहुत ही प्यारा लगता है गाइस, बहुत ही सेक्सी लगता है। और इसका बाकी स्पेसिफिकेशन और कुछ भी डिटेल्स वो तो इंटरनेट पे भरा पड़ा है, क्योंकि ये जलवा है अभी आईफोन का। वैसे खैर, तो ये था छोटा सा अनबॉक्सिंग। अभी जो है इस वाले फ़ोन में हम लोग लगाएंगे एक टेम्पर ग्लास, जो कि हम लोगों ने मंगाया है ESR की तरफ से। तो ये है अपना आईफोन व्हाइट कलर का, तो इसमें हम लोग ये जो है ESR का टेम्पर ग्लास लगाएंगे। तो इसका अगर प्राइसिंग की बात करूँ मैं, और इसका जो प्राइस है वो करीब 2000 के आसपास है। तीन पैक मिल जाता है इसके अंदर, मतलब तीन ग्लास मिल जाएगा, तीन टेम्पर ग्लास। और इसको हम अभी करेंगे ओपन और देखेंगे कैसा रहता है। वैसे ये जो टेम्पर ग्लास है हम लोगों को मिला 900 के करीब, मतलब 300 ईच ग्लास। तो इसमें देख सकते हो पैकेटिंग जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है मिल जाता है। और इसके अंदर एक एलाइनर भी है, देख सकते हो ब्लू कलर का जो है एलाइनर है। तो ये एलाइनर सबसे अच्छा है। और ये जो वाइप किट मिल जाता है, तो अंदर इसके अंदर तीन वाइप किट मिल जाता है तीन ग्लास के लिए। और ये है अपना एलाइनर, तो एलाइनर को हम लोग रखेंगे साइड में। और इसमें थोड़ा सा गाइड वगैरह है। वैसे हम लोगों ने, मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे ESR का बहुत सारे प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करके रखा है। एक टेम्पर ग्लास भी लगाया था मैंने आईपैड पे, इसका भी वीडियो है। और बहुत अच्छे तरीके से जो है बहुत अच्छा क्वालिटी जो है ESR प्रोवाइड करता है। तो हम लोग पहले एक लगाएंगे, तो एक को रखते हैं, बाकी सारा चीज़ है वो साइड में कर देते हैं। तो टेबल पे ज़्यादा कुछ भीड़ ना हो इसलिए हमने बाकी सारा कुछ उधर रख दिया। तो यह है पहला एक नंबर। तो एक नंबर जो है वाइप वाला है, तो इसके अंदर जो है एक पेपर रहता है एल्कोहल से डाई भीगा हुआ। तो ये जो है इससे हम लोग पहले इसको स्किन को रब करेंगे, ताकि इसके अंदर जितना भी ऑयल वगैरह हो स्किन के थ्रू आया था ग्लास में, सारा कुछ निकल जाए। देन अपने पास जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ से हम लोग इसको अच्छी तरीके से जो पोंछ लेंगे, इसके अंदर कोई भी डस्ट वगैरह ना रहे। फिर अपना एलाइनर जो है, एलाइनर को इधर फिट कर लेंगे। देन अपने पास जो तीन नंबर का किट है इसको हम लेंगे। और इसमें क्या होता है, एक ग्लू लगा हुआ होता है। तो पहले हम लोग अपना टेम्पर ग्लास को निकाल लेते हैं इसके अंदर से, तो मैं दिखाऊंगा तीन नंबर को कैसे यूज़ करना है। तो टेम्पर ग्लास को पहले देख लेते हैं इसका साइज़ वगैरह किस तरफ है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। अभी अपने पास तीन नंबर जो है इसको रखेंगे, और घर में एकदम हलचल नहीं करना है वरना डस्ट जो है इसमें चिपकेगा। तो हम लोग इसको थोड़ा सा साइड करके देखेंगे, और इसके अंदर जितना भी डस्ट गिरा होगा इसको हम इसके मदद से खींच लेंगे। सब कुछ क्लियर कर लिया। अभी जो है टेम्पर ग्लास को लिया और अभी फ़ोन के ऊपर लेके जाएंगे, और इधर से इजीली सेट कर देंगे, इसको अलाइन कर देंगे। अलाइनर की मदद से इधर थोड़ा सा प्रेस करेंगे और उंगली से एक खींचेंगे, बस ये जो टेम्पर ग्लास है वो फिट हो चुका है ऑटोमेटिकली, देख सकते हो आप। अभी जो है ये कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। अलाइनर को अभी हम लोग निकाल लेंगे और माइक्रोफाइबर जो है इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे, बस ख़त्म हो चुका है। और देख सकते हो इसके अंदर कोई एयर बबल वगैरह नहीं आया। और गुट्टू को आपका जो है टेम्पर इंस्टॉल हो चुका है। आपके पास और दो स्किन गार्ड और किट रह गया, इसको आप रखो संभाल के, बाद में लगा लेना। और ये एक बैक केस जो है वो भी मंगाया था, ये था अमेजोन बेसिक के तरफ से, 699 इसका प्राइस है, सॉरी 599 इसका प्राइस है। और ये अच्छा, बहुत अच्छा मटेरियल है, कैमरा प्रोटेक्शन वगैरह है, उतना अच्छा नहीं है लेकिन काम चला हुआ है। तो ये वीडियो इतना, मिलते हैं किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।